सुंदरी नींद आ रही है, जाओ छुट्टी आज। BIOYLOGY लोगाई, बीओ लोगाई। पाचन वह प्रक्रिया है जिसके पश्चात गु बनता है। अरे यार सर का बताएं, गेल में इतना खतरनाक चीज देखो हमने कि हम उतना फंस के रह गए थे, का करें। का देख लो, कौन दृष्टि आदमी ने कुत्ता कुटिया फेविकोल से चिपका दो तो सर से बिना छूट पाए। हमने उनको छुटावे की बहुत कोशिश करी, चल आ रहे थे सर हम वही के चक्कर में, आ नहीं पाए, लेट हो गए सर। अगर दुनिया घूम रही है तो वो भी कहीं ना कहीं भौतिक शास्त्र के अंतर्गत जो ज्ञान आ जाते हैं, तो हम तुम्हारे भौतिक शास्त्र के बारे में डिटेल में समझे हैं सब जनों। तो ध्यान से अपने कान खोल के हमारा लेक्चर चल लो बेटा, तो मोट के कबे गोल होगा जो ही पता नहीं चलो। सर ये तो गए थे सर, बहुत जोश लगी थी सर, कहा होते देख भाई यार बात न कर, गरिमा बनाए रख, कोचिंग की अनुशासन होते है शब्दों को अच्छे से बोल, कछु भी बकत रहे थे बेशरम। तो आप ध्यान से सुनो, अपने कान खोल के, आज हम भौतिक शास्त्र पढ़ा रहे हैं यानी फिजिक्स। फिजिक्स बहुत ही आवश्यक, बहुत आवश्यक विषय है गो। और फिजिक्स में अपन समझ है, एक सेकंड, हेलो गाइस, हम काफी दिनों से मोस्ट बेट पे गेम खेल कर पैसा अर्न कर रहे हैं रेगुलरली। तो अगर आपके लाने में पैसा कमाने हैं तो सिंपली मोस्ट बेट पे जाने हैं और सिंपली फॉर्म को फिल कर देना है जैसा कि डेटा मांगा गया है। और जैसे ही आप फॉर्म फिल कर देते हो आपके सामने एक थैंक यू डेटा अपडेट का एक पेज खुलेगा। अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप इसे ऑटोमेट को यूज करके पैसा कमा सकते हो। और अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप ऑटोमेट को ऑफ करके अपने हिसाब से पैसा कमा सकते हो। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो हमने बैठ करके काफी सारे पैसा अर्न कर रखे हैं। और आप अपने जीते हुए पैसा के लाने UPI, गूगल पे, फोन पे के थ्रू आसानी से विड्रॉ कर सकते हो। और हाँ, अगर आप EZINR QR प्रोमो कोड यूज कर हो तो आप खुद स्क्रीन पे देख सकते हो आपको 125% बोनस मिल है आपके पहले डिपॉजिट पे। यही से हमने एक और लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे दे रखो है, तो जल्दी से जाकर चेकआउट करो। और हाँ, लर्न विद योर फ्रेंड। और सर न्यूटन भी गलत लिखो, वो आधुनिक है सर, ने केस की बाई को कुछ ही रह गई थी, हम तो रखे आए थे कुछ नहीं। तुम्हें जाने है? नहीं तो चुपचाप बैठो, नहीं तो हम मुंह में डस्टर पेड़ दें। तो सुनो, भौतिक शास्त्र को सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो है न्यूटन के गति के नियम। अब हम जो चीज भी समझाएं अपनी आंखें और कान खोल के उनको अच्छे से समझियो, हम बहुत कैसे
मूल से लेकर गोड़ों तक की ताकत लगा थे तुम्हारे समझावे में, और तुम्हारे फिर एंड में जब हंसला जीरो दे तो हमें बहुत चढ़ छूटा थे। तो अच्छे से ध्यान से समझो जो जो समझा रहा है, और अगर हमारे सवाल को जवाब ढंग से नहीं दो तरीके से तो फिर हमारा खून खोल जाए। ऐसा जो भी डाउट हो, जो भी डाउट हो, जब हम पढ़ाते हैं तत्काल पूछ ले, करे तत्काल क्लियर कर लो कोई भी डाउट हो, ठीक है। सर हमें एक शंका है, का न्यूटन के पापा का कराते ये तो बताएं उत्तो ये दिमाग में पेड़ो, ठीक है। न्यूटन को बाप का करत तो मताई का करती, फूफा का करत तो मौसिया कहां मरत तो जो भाई जोरा कौन है पेपरों में ने पूछे जे हैं। और कौन हम बाप के बारे में पूछने, बाप का करत तो आजा आज अगर हमने तुम्हारी गाड़ी पंचर ना करी तो हमारा नाम भी सिंह को नहीं इंतजार हम बाद में देख लेंगे हमारी गाड़ी पंचर ना करी। सर मासा मारे धम धम विद्याद छम छम मासाला में विद्या बहुत आ गई, अरे तुम्हारे से ज्यादा विद्या हम में आ गई, अब हम टॉप कर हैं। हाँ तो न्यूटन के नियम अनुसार यदि कोई वस्तु गतिज अवस्था में है, दौड़ रही है, तो वह जब तक दौड़त रहे जब तक कोई बाहरी वालों को रोके नहीं, जब तक कोई बाहरी वालों को न रोक है जब तक वह दौड़त रहे गतिज अवस्था में ही बनी रहे। मिथ्या असत्य झूठ गलत है जो नियम। तो मित्र आत्मविश्वास से कैसा कह सकत के गलत है जो नियम। अरे हमारा कुत्ता दौड़त दौड़त अपने आप रुक जाए, ओको नहीं लगाने पड़ा था हमें बाहरी बल। मतलब जो के जब दूसरे मोहल्ला के कुत्ता थे हमारे मोहल्ला में सोमा कुत्ता और हम टर्रे उनके पीछे पीछे बहनों बब्बा न जा तो अपने आप रुक जाते थे, इसने कैसे मुख पता चल जाता के तो दूसरा मोहल्ला चालू होगा और वो भी बिना कोनो बल लगाए रुकत थे बहनों बब्बा के आगे नहीं जाते। उते भी एक बल काम कर रहा है बेटा। कैसो बल? कुत्ता अपने मोहल्ला में दौड़ रहा है, दौड़त जा रहा, लेकिन जैसे ही वो अपने मोहल्ला की बाउंड्री क्रॉस हो बेबारो रहे थे तो कुत्ता पता चल जात के अब जो हमारा मोहल्ला नोई, अब जो हमारा इलाको नोई, इतने हमारी चलती नहीं है, इतने हम चिथ जें। कुत्ता पता चलो कि इतने हम चिथ जें तो उसके अंदर डर बैठो, उसके दिमाग में डर बैठो, डर ने उसके पाँव में ब्रेक लगा दिया, डर ने जैसे ही ब्रेक लगाए कुत्ता रुक गओ, यानी कि कुत्ता को रोकबे के लाने डर रूपी बल लगो, समझ रहे। यही से जो सिद्ध हो जाते है कि जब तक कोई बाहरी बल न लगाओ जाए गतिशील वस्तु गतिशील ही रहेगी। सबको समझ में आई? हाँ तो ओम बेटा तुम खड़े हो जा। एक चीज बताओ, कोनो मोड़ी स्कूटी से जा रही है। कैसी बात कर रहा है यार सर, हमें शर्म लगा थे। सर एक तो हम जवान ऊपर से करने आकी चर्चा सर। ए सपनेदर्शी, दनई में सपने देख रहे का? सवाल पे ध्यान दो।
हाँ तो एक लड़की स्कूटी से जा रही है, अचानक सामने सांड आ गयो, तो लड़की का कर है? गोड़े खचोर है। खा? मोड़ी गोड़े खचोर है, कैसे ब्रक तो फुर्सत से लगाए जाते है, कैसे हमारी सगी दीदी गोड़े खचोरत है, और दीदी तो छोड़ो, मौसी गोड़े खचोरत, बुआ गोड़े खचोरत, और जितनी भी महिलाएं रहते हैं सब गोड़े ही खचोरत है, कैसे ब्रक तो फुर्सत से लगाए जाते है, कैसे जब फुर्सत रेत नंजा तो ये सब गोड़े ही खचोरे जाते है। यार तुम चुप हो जाना तो हम तो खचोर के बाहर फेंक दें। तुम्हारे तो कछु बढ़ावो भैंस के यहाँ में बीन बजा बिखाई है। बैठो अब हम गड़द पड़े गड़द में जा रहे हो। फिर छुट्टी को भी टाइम हो रहा हो तो गलत निकाल ले, गलत ही पढ़ा रहे तो गलत। ये दुनिया को सबसे महत्वपूर्ण विषय है गलत, समझ रहे? बिना गलत के जब पूरी दुनिया अधूरी है, आप खो चाहे आप ग्रह देख ले, नक्षत्र देख ले, समय देख ले, जोड़ना घटाना कछु भी हो, अगर आप गाड़ी भी चलाते हो तो उसमें गलत को इस्तेमाल होता है, गाड़ी कितने पे भग रही, कितनी स्पीड से चल रही, कौन सा गियर डालने, कितने लीटर पेट्रोल, कितने रुपया को पेट्रोल आ रहा हो, हर चीज गलत ही से तो चल रही। तो गलत अपन का पढ़ रहे गलत, और गलत दुनिया को सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। तो फिर यार जो ही पढ़ाते तुम आध घंटा से जी नाम आया कि विषय का पढ़ा रहे तुम, कम न्यूटन को कम कछु को कम कछु है, जब ये कछु ये में सब कछु है तो जो ही पढ़ाते हम तुम्हारे मुंह में घुटी पेड़ दें। चुपचाप जो बता रहे हैं वो खुद ध्यान से सुन, अपनो ज्ञान ने करो। हाँ तो सबके लाने हम गलत बताते हैं, ठीक है? गलत में तुम्हारों ने अभी तक देखो हुई है कि पांच में से तीन गाय दो बचे, पांच में से चार गाय एक बचो, लेकिन का तुम्हारा पता है कि पांच में से दस जे हैं तो कितने बच? यार जो कैसे भैया सवाल है, पांच में से दस कैसे जे हैं? हाँ यार कैसे चले जे? वाह, पांच में से अगर दस गए तो ऋण के पांच बच हैं, ऋण पांच। अब ये ऋण पांच कैसे बना वो समझो, अच्छे से ध्यान से समझियो, ठीक है? मान के चलो अपन ने कोई से दस रुपया को कर्ज लो, तो वो कहा थे ऋण को कर्ज यानी ऋण, दस रुपया को कर्ज लो यानी ऋण दस, अब अपन ने उनमें से पांच लौटा जाए, तो अगर पांच लौटा जाए तो फिर कितने को कर्ज बचो? पांच को और कर्ज बचो, पांच और लौटाने बनो, तो ऐसे अपने पास ऋण पांच बचत है। ऋण को साध्य अर्थ होते हैं कर्ज, अपन ने दस को कर्ज लो तो उनमें से अपन ने पांच लौटा जाए हैं, तो अब अपने पास ऋण पांच यानी पांच को कर्ज बच है, समझ में आई? अच्छा मतलब पांच में से बीस गाय से ऋण पंद्रह बचे। सत्य है, अब आई समझ में? अब आई समझ, यानी आ गई तुमरों की समझ में। चलो तो भैया कुलदीप खड़े हो। यस सर। तुमने बिट्टू हो पचास रुपया दाए, ओ में से बिट्टू ने बीस रुपया तुम्हें लौटा दाए, अब बिट्टू के पास कितने बचे? ऋण पचास। मूर्ख, ऋण पचास कैसे बचे? गलत नहीं समझे तूने, इतनी देर से समझा रहे सर? गलत तो समझिए पर तुम बिट्टू को नहीं समझे सर, वे इतने बड़े बारे खप गए पचास ही रुपये जखा जे। बेने दे एक रुपया पूरे पचास के पचास ही खा जे, इतने बड़े बारे खप गए सुरण के पचास ही बचे, जाहिर सी बात है। देख तू जो जवान संभाल के बात करिए कुलदीप। बिट्टू
बैठे बैठे नहीं बेटा, खड़े होके अपने बलिदान दो। वो खबगा कह रहा तुम्हें, ऐसे कह रहा तुम का बस मार रहे हो। कैसी कैसी सुन ले, अबे तक हमसे कही होती सब मूड फोड़ देते। समाल आई के बात कर रहा है, समाल आई के तुम तो ठीक ठाक, तुम्हारे पापा भी खप गए, तीन गांव के पैसा खा गए। पैसा खा भी को सिलसिला तुम्हारे तीन पीढ़ियों से चलो आ रहा हो, बाबा की हम कह नहीं रह जाके हो। देख तू हमारे बारे में जो कह रहा सुख जे मनो, अगर पापा के बारे में कछु कह तो अच्छो न रहे। खगा हो सो कह रहे, हम तो चिल्ला के कहे तुम खगा, तुम्हारा बाप खगा। टटरी के बने ने ऊंचा मार था, हम जा रहे पापा लो अभी, हम थोड़ी पापा से कहे टटरी। छुट्टी 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 बेटा, हाँ छुट्टी। ए माँ साहब जो फेविकोल लगवा दे लगवा दे, आप सजवा के जाओ। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताने हैं, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लियो और घंटी बजा दियो, कैसे घंटी बजा दे हो तो जब भी नए नए वीडियो आए आपको टन की आवाज आ जाए, और वीडियो में मजा हो तो वीडियो के लाने लाइक करने हैं, शेयर करके ते होते पहुंचाने हैं, और अपना आशीर्वाद रूपी कमेंट जरूर कर दियो। बाकी मिल रहे जल्दी एक नए वीडियो में।